ये एक जाना माना तथ्य है कि शून्य का आविष्कार सबसे पहले भारतीय गणितज्ञों ने किया था और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया था। ये एक ऐसी खोज थी जिसने दुनिया को एक नई संख्या दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शून्य का सबसे पुराना शिलालेख ग्वालियर किले के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है? हालांकि 9वीं सदी में बने इस चतुर्भुज मंदिर की वास्तुकला को बहुत खास नहीं माना जाता है, लेकिन ये निश्चित रूप से इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है। ये मंदिर सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं है, लेकिन ये दुनिया भर के गणित प्रेमियों के लिए वर्षों से दिलचस्पी का विषय रहा है। ग्वालियर किले के तलहटी में मौजूद चतुर्भुज मंदिर किले के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास एक चट्टान को तराशकर बनाया गया है। मंदिर का नाम मंदिर के भीतर स्थापित चार भुजाओं की विष्णु की छवि की वजह से पड़ा है। ये किले के अन्य मंदिरों के मुकाबले में काफी छोटा है, लेकिन मंदिर के खंभों में और बाहरी हिस्सों पर विष्णु, लक्ष्मी, गणेश, पार्वती, नवग्रहों सहित अन्य छवियों की खूबसूरत नक्काशी है। मंदिर के अंदर बरामदे के ऊपरी हिस्से में कृष्ण लीला के कई दृश्य हैं, लेकिन ये शिलालेख ही इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है और आज जिससे इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक शिलालेख के अनुसार मंदिर की खोज सन 875 में जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम अल्ला था। अल्ला राजा मिहिर भोज के शासनकाल के दौरान ग्वालियर किले का संरक्षक था। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे और उनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। शिलालेख में वर्णित सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक ही नहीं बल्कि शून्य के दो प्रतीक है। इसमें फूलों के बगीचे के लिए 270 हस्ता या हाथ जमीन के अनुदान देने का उल्लेख है। इसके अलावा 50 फूलों की माला के दैनिक अनुदान का भी उल्लेख है। हो सकता है इस शिलालेख में हुआ शून्य का उल्लेख सबसे पहला ना हो, क्योंकि इससे पहले भी कई प्राचीन ग्रंथों में शून्य का उल्लेख हो चुका है। लेकिन जो बात इस शिलालेख को अनोखा बनाती है वो ये है कि ये पत्थर पर अंकित शून्य के प्रतीक का सबसे पुराना साक्ष्य है। दिलचस्प बात यह है कि चतुर्भुज मंदिर का शिलालेख सन 1931 तक शून्य का सबसे पुराना शिलालेख माना जाता था। फिर कंबोडिया के संबोर में शून्य के प्रतीक वाला एक शिलालेख मिला था। उस पर सन 638 दर्ज है। हालांकि अब पेशावर के पास बक्शाली में मिली तीसरी सदी की पांडुलिपि को शून्य से संबंधित सबसे पुराना दस्तावेज माना जाता है। भले ही चतुर्भुज के शिलालेख सबसे पुराने नहीं है, लेकिन ये इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। ये मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि इसके बारे में लोग कम ही जानते हैं, लेकिन इसके ऐतिहासिक महत्व की वजह से इसे जरूर देखा जाना चाहिए।